तो दोस्तों अभी हाल ही में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म पठान का फर्स्ट सॉन्ग बेशरम रंग रिलीज किया गया था, जिसको कि दोस्तों रिलीज होते ही जबरदस्त रिस्पांस ऑडियंस की तरफ से मिला है। तो वहीं दोस्तों काफी ज्यादा नेगेटिविटी का सामना भी इस सॉन्ग को लेकर करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर श्री नरोत्तम मिश्रा जी की तरफ से दोस्तों इस फिल्म को लेकर बात की गई है, जहाँ पे दोस्तों उन्होंने कहा है कि इस फिल्म के सॉन्ग को दोस्तों बदला जाए, नहीं तो वो इस फिल्म को मध्य प्रदेश में बैन कर देंगे। नरोत्तम मिश्रा जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसके साथ ही उन्होंने लिखा, फिल्म पठान के गाने में टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की वेशभूषा बेहद आपत्तिजनक है और गाना दूषित मानसिकता के साथ फिल्माया गया है। गाने के दृश्य व वेशभूषा को ठीक किया जाए, अन्यथा फिल्म को मध्य प्रदेश में अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए, यह विचारणीय होगा। तो ऐसे में दोस्तों नरोत्तम मिश्रा के ट्वीट से आप ये समझ सकते हैं कि वो चाहते हैं कि फिल्म पठान के सॉन्ग के सीन्स को फिर से रिक्रिएट किया जाए या फिर ठीक किया जाए, और जो दीपिका पादुकोण के कॉस्ट्यूम्स हैं उन्हें चेंज करके इस फिल्म को रिलीज किया जाए, उसी के बाद तभी इस फिल्म को मध्य प्रदेश में रिलीज करने का निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों नरोत्तम मिश्रा का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहाँ पे कुछ लोग इस ट्वीट का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं काफी लोग इस बात के खिलाफ भी हैं। वैसे दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है? साथ ही दोस्तों आपको क्या लगता है कि नरोत्तम मिश्रा जी ने जो बात कही है वो सही है या गलत, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए।